आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कोलार सेल्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो किसके अंदर पाए जाते हैं। देखो, कोलार सेल्स जो होते हैं उसको हम क्वेनोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये प्रेजेंट होता है स्पॉन्जिस में। यही सेल्स जो होते हैं वो स्पॉन्जिस में होते हैं, ठीक है। मोर ओवर ये क्या होते हैं, एक यूनिक फीचर है इसका, ऑफ स्पॉन्जिस, ठीक है। देखो होता क्या है कि हमारा जो स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ दो जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे ये हमारा एक नॉर्मल स्पॉन्ज हो गया, ठीक है, ये सेसाइल स्पॉन्ज है। तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स जिसका नाम होता है कौन से, पिनाकोसाइट्स, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंदर वाली साइड जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस साइड पे क्वेनोसाइट्स। तो हमने इसकी लोकेशन देख ली, ठीक है। अब क्वेनोसाइट का कुछ फंक्शन देख लेते हैं। देखो क्वेनोसाइट ना का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मान लो कि ये सेल है, ठीक है, इसके आसपास क्या होता है, ये पूरा मतलब अगर थ्री डायमेंशनल देखेंगे तो, जैसे अगर इसको मैसेज बना दें सर्कल टाइप में, तो यहाँ से निकल रही होती है क्या, विलाइस, माइक्रोविलाइस, ठीक है। और बीच में प्रेजेंट होता है एक, इसके बीच में से निकल रहा होता है एक फ्लैजुला, यानी कि यहाँ से निकल रहा होता है फ्लैजुला, ठीक है। ये क्वेनोसाइट जो होते हैं ये क्या करते हैं, देखो हमारे स्पॉन्जेस जो होते हैं उसके अंदर होता है कैनाल सिस्टम। होता है कि जो पोर्स हमने यहाँ पे बनाए हैं इसको हम कहते हैं ऑस्टिया। अब पानी इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट है, तो क्वेनोसाइट्स में हमने कहा फ्लैजुला है, तो ये क्वेनोसाइट्स जो होते हैं अपने फ्लैजुला को मतलब बैक और फोर्थ मूव करते हैं, ठीक है। और जो वाटर आ रहा होता है उसमें से क्या अब्सॉर्ब करते हैं, एक तो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं, दूसरा क्या वहाँ से ले लेते हैं, फूड पार्टिकल्स, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेनोसाइट जो है वो क्या, एक क्वेनोसाइट सॉरी स्पॉन्जेस जो है वो क्या, एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसमें कोई टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट नहीं है फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो क्वेनोसाइट क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकाल देते हैं उस वहीं से, ठीक है। और फूड पार्टिकल्स को भी ले लेते हैं फ्लैजुला के थ्रू, थोड़ा जो डाइजेशन होता है वो क्वेनोसाइट्स में ही होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक और सेल होता है हमारा किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडो के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पे मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है, जो होती है कैविटी। उस कैविटी के अंदर और सेल्स भी होते हैं, जैसे कि अमीबोसाइट, ठीक है। तो क्वेनोसाइट से हमारा जो फूड पार्टिकल है वो आ जाता है अमीबोसाइट में, तो पार्शियली यहाँ पे डाइजेशन होता है, फिर कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेनोसाइट्स, हमने उसका फंक्शन देख लिया और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पॉन्जेस में प्रेजेंट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।